नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा में आज पहला दिन राशन की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें देखकर पिछले दिनों की यादें ताज़ा कर दी है। जिस वक्त नोटबंदी हुई थी उस वक्त यही हाल था, और आज राशन बांटने का पहला दिन रहा है और राशन लेने के लिए गरीब तबके के लोग राशन की दुकान में टूट पड़े, घंटों लाइनों में लगे रहे। अंत में गिनती के कुछ लोगों को मिला सिर्फ चावल, और ये चावल उन्हीं के लिए है जिनके पास गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड है, उन्हीं को मिलेगा जो भारत सरकार के तरफ से दिया जा रहा है। मान लीजिए सरकार ने ऐलान किया था राशन की और इन्हें फिलहाल चावल बांटी जा रही है, लेकिन जिनके राशन कार्ड नहीं है उनका क्या हक नहीं है? क्या उनके लिए सरकार क्या सोची है? हालांकि राशन बांटने का सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, लेकिन लोगों को यकीन नहीं है क्या 30 अप्रैल तक राशन मिलेगा या नहीं, राशन की दुकान पर राशन रहेगा या नहीं, या खत्म हो जाएगा, जिसके लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाकर घंटों लाइनों में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक शासन प्रशासन बार बार कहती आई है सोशल डिस्टेंस रखो, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं। उन्हें सदमा है राशन कहीं खत्म ना हो जाए। इस पूरे मामले में राशन के दुकानदार ने क्या कहा है आप सुनिए। भाई तुम्हारे कार्ड में 5 नाम है, अगर मशीन में 3 है तो यहां से सुबह से कितने लोग झगड़ा करके गए, गाली दे के गए कि मेरे कार्ड में 5 नाम है, हमको 5 नाम का राशन चाहिए। हम 5 आदमी के नाम राशन कैसा देंगे? हमको ऑर्डर है कि जैसा मशीन में बिल निकलेगा जितने आदमी को उतने आदमी का राशन देना है। हम अगर तो सोशल डिस्टेंस, देखिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप जो है प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। हमने शिकायत किया प्रशासन को भी, हमने बोला हमको पुलिस बंदोबस्त चाहिए अभी 4 बजे, तो वहाँ से कोई पुलिस बंदोबस्त आज ये टाइम पे आया नहीं। सुबह के टाइम आए थे, अभी एक अकेला दुकानदार, हमको इसमें कुछ कमीशन नहीं है तो भी हम एक आदमी स्टार रख के काम करा रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा पब्लिक को सहयोग करना चाहिए। एक आदमी आप पावती करेगा, एक आदमी देगा, एक आदमी गोनी ला के खोलेगा, अभी हम एक्स्ट्रा आदमी कहाँ से ला सकते हैं? इसके लिए तो पब्लिक को भी सोचना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि दुकान भाग जा रही, फिर से राशन नहीं मिलेगा, दुकानदार खा जा रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। आपका जितना आदमी है का नाम है आपको राशन मिलने वाला है, आज नहीं तो कल मिलेगा, 30 तारीख के अंदर मिलेगा। सब लोग एक ही दिन चाहेंगे तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, मेरा भी जान है। वो बोलते 12 घंटा चालू रखो, 12 घंटा चालू रख के आदमी मर जाएगा जिंदा रहेगा? आप लोग के लिए हमने सेवा कर रहा हूँ ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमा शंकर नगरी राम यादव है। अच्छा अच्छा, कभी से लाइन में लगे हैं आप? हो गया 4 घंटा। थोड़ा तेज से बोलो। हो गया 4 घंटा। 4 घंटा हो गया। कितने लोगों के पीछे आपका नंबर है? 50। आंटी ये बोलिए आप जो है कितने बजे से लाइन में लगी हैं? हम लोग सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से लगे हैं? हाँ, अभी पीछे पीछे हो गए हम लोग। पीछे भी हो गए? हाँ। वो कैसा हो गया आप पीछे? अभी उधर से हम लोग ऐसा करते पीछे पीछे आ गए, अभी कितना पीछे? हाँ। अच्छा अच्छा, हमको मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए आप लोग जो है, काफी लंबी लाइन है। क्या लंबी लाइन तो है, मगर खुद को मिल रहा है नहीं। सुबह से आके इधर तरस रहा है। सुबह से आप लोग आए? हाँ, अभी सुबह आके 11 बजे तक बैठ के गाया, अभी आके 3 बजे से इधर ही बैठे। अच्छा। हाँ, आगे लाइन ही नहीं जा रही, इधर ही बैठे, पानी से प्यास लग रही। तो हम आपको दिखा रहे हैं यही हाल पूरे मुमरा शहर में है। जहां जहां भी ये राशन की दुकान है वहां वहां ये लंबी लंबी कतारें आपको देखने मिलेगी। ये आज का पहला दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से जो ऐलान हुआ था हर घर में हर गरीब को जो है राशन मिलेंगे। तो हम आपको बता दें सिर्फ राशन उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास जो है राशन कार्ड है, वो भी गरीबी रेखा की, और उन्हें ही जो है राशन दिया जा रहा है। लेकिन उसके पहले जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो राशन के दुकानदार जो उन्हें गाइड्स नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस कितनी दूरी पर होना चाहिए, वो जो है गाइड्स नहीं कर पा रहे हैं। लोग जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, घंटों खड़े हैं जो है, और उसके बावजूद उन्हें घर वापस जाना पड़ रहा है। तो बहरहाल इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।